नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर की, जहां प्रताप नगर के 19 सेक्टर की, जहां आवासन मंडल के द्वारा एक अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। ऐसे में अपार्टमेंट की बनने की वजह से बिल्डिंग के सामने वाले कॉलोनी वासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि बिल्डिंग की वजह से उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह लोग ऊपर से जो भी कचरा डालते हैं उनके घरों में आता है, ऐसे में लोगों को काफ़ी बार चोट भी लग जाती है और इससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों को आने वाली धूल से बीमारी का अंदेशा हो रहा है कि धूल मिट्टी आंखों में जाती है और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कहा, जब सब जगह पर शिकायत कर ली लेकिन शिकायत का कोई समाधान नहीं निकला, हमारी सुन कोई भी नहीं रहा है और पुलिस में भी परिवाद दर्ज करा दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर जाए तो जाए कहाँ, कॉलोनी वासियों का क्या कहना है सुनिए। छत पे भी पड़ा है, अगर इनकी छत पे रिकॉर्डिंग एक बार छत पे आप देखना चाहो, छत पे देखिए, पूरी छत भरी हुई है इनकी, तो ये दोनों दोनों छतों की ऐसी हालत है। ये तो खैर क्या आपकी समस्या है, किस बात को लेकर आप परेशान? समस्या ये है कि आवासीय कॉलोनी में बिना प्रोटोकॉल के एक आवासीय राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्माण किया जा रहा है। हमने कई बार ठेकेदारों से व्यक्तिगत संपर्क किया, कई बार लेबर से मना की, लेकिन लेबर अपने मनमाने तरीके से यहाँ निर्माण कार्य में ऊपर से कभी मलबा डालती है, कभी क्या करती है, यहाँ पे कॉलोनी वालों से दादागिरी करती है, अपशब्द अव्यवहार करती है, ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं है। एक बार बताओ, 13-13 माला के फ्लैट से अगर ऊपर से अगर ऊपर मलबा डालेंगे तो वो हम तो हमारे बीच में तो 15 फीट की गली है, पूरा मलबा हमारे मकानों पे आ रहा है, हम परेशान हैं, मकान पे कुछ कर नहीं सकते हैं, डस्ट आ रही है, ऑटोमेटिक हो गई, पूरी कॉलोनी परेशान है। आज इतने लोग अब इकट्ठे हुए हैं हमारी समस्या को लेके हुए हैं। शिकायत हमने थाने तक तो वो इन्फॉर्मेशन कर दिया, वहाँ सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है कि इनको बाउंड कर दिया जाएगा। जबकि आज ये बताओ, आवासीय कॉलोनी में इस तरीके का निर्माण कार्य राजस्थान आवासन मंडल कर रहा है, ये उचित है क्या? बिना प्रोटोकॉल के, ना कोई इन्होंने ग्रीन पट्टी लगा रखी, ना कोई किसी का तरह का ढख रखा, कल ना कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो फिर आप आवासन मंडल नहीं गए कि अभी आयुक्त? नहीं, हमने थाने में परिवाद की, कल कॉपी परसों कॉपी दी थी, हमारा आपस में विवाद हुआ था इनसे और इतना ज़्यादा हुआ था कि PCR आ गई थी, PCR को बुलाना पड़ा, PCR के बाद में हमने परिवार के बाद में हमको आश्वासन मिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। लगातार आपको परेशान? लगातार पिछले एक साल से है भाई साहब, ये 2 साल और चलना है तो इसमें हम या तो घर यहाँ छोड़ के चले जाएँ कॉलोनी। भाई हमको भी, हमने भी तो आवासन मंडल से मकान लिए हैं, हमको क्यों परेशान किया जा रहा है RHB द्वारा? हमारी समस्या का निराकरण चाहिए, हम सारे कॉलोनी वाले या तो हाउसिंग बोर्ड के आगे धरना देंगे, आप अगर हमको समस्या का समाधान, डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, आज हमारे पार्षद साहब हमारे साथ मौजूद है, पार्षद साहब की अगुवाई में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने पार्षद साहब को कई बार सूचित भी कर दिया, आज ही हमारे बीच में। आप यहाँ के पार्षद हो तो आपने अभी तक किस किस से? ठेकेदार को 3-4 बार संपर्क करने के बाद में उसने ये कहा कि ये सरकारी काम है, ये ऐसे ही चलेगा। यहाँ पे एक सीवरेज का चैम्बर है, उसको लेके भी मेरी 2-3 बार बात हुई तो उसने उसका भी कोई समस्या का समाधान करवाया नहीं। उसके बाद में नगर निगम की गाड़ी भेज के 5-7 दिन के लिए तो वो चैम्बर ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद में ये लोग वही नहाने धोने का सिस्टम इन्होंने ओपन में कर रखा है, तो उसी के साथ में वो है। यहाँ से ऊपर से जो लेडीज़ हैं पीछे कॉलोनी वाली रहती है। सरकारी काम तो है, हाँ, लेकिन आप ये चाहे आदमी परेशान हो जाए, लोग परेशान हो जाए, लेकिन सरकारी काम बंद नहीं होगा या फिर उसका कोई समाधान भी तो होना चाहिए, वो समाधान आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, समाधान कहीं नजर आता ही नहीं, न हाउसिंग बोर्ड वाले सुनते हैं न ठेकेदार सुनता है। अब कॉलोनी वालों के साथ में हमारे को खड़ा रहना पड़ेगा, हम अनिश्चितकाल धरना देंगे। तो अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के पास नहीं गए कि कोई यहाँ का MLA कौन है जिसके पास आप? यहाँ का MLA तो लापता है। अच्छा, MLA लापता है ना, तो अभी तो MLA लापता है, MLA ने 5 साल में आके ना तो पहले देखा और ना अब आगे देखेंगे। वो कौन है आपके MLA? गंगा देवी है, कांग्रेस से, बगरू से। हाँ, 40 किलोमीटर यहाँ से कांग्रेस ने फिर टिकट दे दिया उसको। हाँ, फिर दे दिया, अब उनको अब की बार हार का मुंह देखना पड़ेगा उनको। पब्लिक के बीच में ये पब्लिक क्या करेंगे, ये पब्लिक दिखा देगी। परेशान हो रही है, पानी आ रहा है यहाँ, देखो सारा गटर का पानी आ रहा है यहाँ, अरे 24 घंटे पानी रहता है उधर। बिल्डिंग से नहीं है, ये गटर से परेशान है हम। अच्छा, ये गटर रुक रहा है, इसको साफ कराओ, यहाँ से सफाई कराओ, पीछे पानी जा रहा है, मेरे आगे जा रहा है।
ये बिल्डिंग में से आ रहा है पानी पूरा, बिल्डिंग में से आ रहा है। बिल्डिंग हाँ, हाँ तो इधर के ही लोग जाते हैं ना गटर में, तो वही तो पानी आ रहा है। ये बिल्डिंग की लेबर नहाते है ना, बहुत परेशानी हो रही है हमारे को तो देखो। हाँ, इससे इतनी बड़ी बिल्डिंग उन्होंने यहाँ खड़ी करी है, क्या सोच के करी है? हमारा यहाँ जो लोग रह रहे उनकी रोशनी बंद कर दी है, हवा पानी सब कुछ खराब हो रहा है। कल को मेरा चौथ का चांद उगेगा, हमें तो रोडों पे जाके कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो ये तो एक निकालते, कोई पार्टीशन करते किस हिसाब से उसको, ये तो सोचते कि पीछे जो जनता रह रही है उनका भी तो कुछ फर्क होगा, उन पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का, ऐसे ही बिल्डिंगे खड़े करे जा रहे हैं। अब सारी लेडीज वहाँ पे जाएंगी गली पे। हाँ नमस्ते भैया, कितनी बार तो मैंने भी इनको बोल रखा था। एक बार मैं चेयर पे बैठी थी, कुर्सी पे बैठी थी, तो इन्होंने बाटा फेंका था, फिर मेरे आंखों पे लगा, फिर मैंने इनको बोला भाई क्यों भाई सुनवाई नहीं, बोला वो तो आएंगे बहन जी इतना तो आएंगे, और कुछ बोलो तो अंटशंट बोलते हैं, कोई जवाब भी नहीं देते हैं कुछ, और सारे धुआं वो आती है, गूल मिट्टी बहुत आती है। समस्या यह है कि ऊपर से है ना जो वो खक माटी आती है, माटी आती है, कंकर आते हैं, तो अब हम नहीं बैठ सकते, नहीं बालकनी में बैठ सकते हैं, नहीं ऊपर छत पे बैठ सकते हैं, नहीं कपड़ा है, नहीं हम, और पूरी हमारे मकान पे पूरी खक माटी, मतलब इतनी इतनी माटी आती है जो हम बैठ नहीं सकते। अब उनको समझा दिया, अब भैया तुम मत गिरो, तुम हाथ जोड़े थे हमारे, अब मत गिरो मत गिरो, नहीं मानते नहीं मानते, एक बार तो गिर देते गीला ए, और फिर बाद में फिर सूखा ही सूखा गिरते, तो हम तो है बहुत परेशान हो रहे हैं, और ऑपरेशन करा रखे हैं हमने, तो अब ऑपरेशन को दिखना क्यों, हम तो माटी माटी उड़ाते हैं, सफाई करते हैं घर की, इतना बुढ़ापा में 10 मिनट में, तो अब हमको देखना थोड़ा एलर्जी हो चुकी है सर, मेरे इस डस्ट से बहुत एलर्जी है, और ईंटे हमारी छतों पे ईंटे कीले खूब फेंकते हैं, और जितना मना करो हमारे ऊपर और हंसते हैं देखकर हम लोगों को, ये लोग ये हम लोगों की सुनते भी नहीं है, लड़ने को तैयार हैं ये लोग हमसे। हम डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने यही कह दिया आप अंदर रहो, हम कब तक अंदर रहेंगे, हम बाहर भी तो निकलेंगे ना सांस लेने के लिए, तो बाहर ही आना पड़ेगा, हमें खुली हवा चाहिए हमें, हमारी तो। इस वक्त मैं खड़ा हूँ प्रताप नगर की 19 सेक्टर में, यहाँ मेरे साथ कॉलोनी के वासी हैं, और जो लगातार ये जो आवासन मंडल की जो बिल्डिंग बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सरकार ने यहाँ बना रही है, आवासन मंडल बना रहा है, लेकिन जो सामने कॉलोनी है यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, ऊपर से धूल मिट्टी जो भी आती है उससे परेशान, इनके घर इनको ये कह रहे हैं कि बीमारी की शिकायत है, किसी आँखों में परेशानी हो गई है, किसी को और कोई परेशानी हो रही है, ऊपर से जो वो जो भी कचरा डालते हैं उससे बड़ी दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। कह सकता हूँ कि बड़े और चुनावी टाइम में इस तरह से लोग परेशान हैं कि यहाँ इनकी आंखों में भी आंसू आने लगे हैं कि वो किस तरह से किसके पास जाएं, किससे शिकायत करें, आखिर उनकी सुनने वाला कौन है। अब देखना यह है कि सरकार या फिर जो अधिकारी है, क्योंकि अब सरकार तो नहीं है राजस्थान में, लेकिन अधिकारियों का बोलबाला है कि अधिकारी इसको सुन पाएंगे और इन लोगों की जो समस्या है उसको दूर कर पाएंगे, क्योंकि इनकी समस्या बड़ी समस्या है, लोग बच्चे यहाँ पर बड़े परेशान हैं, ये रास्ता है, इस रास्ते के सामने ही ये बिल्डिंग है जिससे ये लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की समस्या का समाधान कोई नहीं कर पा रहा है। यहाँ की मौजूदा विधायक गंगा देवी को कांग्रेस ने फिट कर दिया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो आज तक इस क्षेत्र में नहीं आई, ना उनकी कोई सुन पा रही है, और हो सकता है कि गंगा देवी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर इनकी समस्याएँ सुनने के लिए नहीं आए। क्यों? कि अभी चुनाव है राजस्थान में, ये उनका क्षेत्र है, अगर क्षेत्र के लोगों की समस्या वो नहीं सुनती हैं तो ये लोग आने वाले चुनाव में उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये आवासन मंडल में जाके धरना भी दे दें। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ दशरथ सिंह, न्यूज़ 21, प्रताप नगर 19 सेक्टर, जयपुर।